अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सबरे अली। मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने बात की थी यूरिक एसिड के बारे में कि यूरिक एसिड क्या है, कौन से जोड़ों को मुतासर करता है, उसमें क्या अलामत होती हैं, और उसमें हमने देखा था कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आपके जोड़ों में मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल जो हैं वो जोड़ों में इकट्ठे होते हैं तो आपको यूरिक एसिड के मिसाइल पेश आते हैं। अगर हम जल्दी जल्दी बात करें तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो कौन सी खुराक है जिससे खाने से यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आता है। उसमें हमने बात की थी क्या नाम है, जितने भी आपके मीट हैं उसके अलावा जो आपके कलेजी गुर्दा जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल होना, उसके अलावा वो लोग जो वाइन पीते हैं, अल्कोहल बियर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग जो सी फूड खाते हैं, या वो लोग जो दालें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, टमाटर बंद गोभी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें हो सकता है। आइए अब जानेंगे कि इसमें आप क्या क्या खा सकते हैं। इसमें जो है कि आप हरी भरी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अलावा आप जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें क्या नाम है, एप्पल हो गया, संतरा हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। पालक कुछ स्टडीज कहते हैं कि इतना मसला नहीं करती, लेकिन आप एक खास अमाउंट में आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या नाम है, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, मलाई उतार के जिसे हम स्किम्ड मिल्क कहते हैं या फैट फ्री मिल्क कहते हैं। उसके अलावा आप क्या नाम है, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें काजू बादाम अखरोट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा क्या नाम है, कोशिश कीजिए कि उन चीज़ों को लाजमी अवॉइड करें जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो शुगरी फूड होती है उनमें फ्रुक्टोज होता है, और ये बाजार की जितनी बेकरी है और जितने फास्ट फूड हैं इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें फ्रुक्टोज होता है और ये फिर यूरिक एसिड के लेवल आपकी बॉडी में बढ़ा सकता है। नाज़रीन, ये सारी वो क्या नाम है, इसमें आपको मैंने बता दिया कि कौन सी खुराकों को आपने अवॉइड करना है और किन खुराक को आपने इस्तेमाल में लाना है। अगर हम इसकी मेडिसिन की बात करें तो मोमन होता ही है कि जब जोड़ों में बहुत ज़्यादा अचानक दर्द उठता है, बात कर आपके जोड़ों में दर्द उठता है, तो अक्सर ये दर्द बहुत सवीर होता है कि पेशेंट रात को नींद से भी जाग जाता है। तो अगर अक्यूट फेज है, यानी अभी अभी मसला हुआ, तो इसमें हम एनसेड वगैरह दे सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ ऐसे अदवियात देते हैं जो दर्द कम करते हैं, जैसे जिसमें पैनाडॉल, पॉन्स्ट्रान, ब्रुफन, उसके अलावा डिक्लोरॉन वगैरह का हम इस्तेमाल करवाते हैं, और उसके अलावा एक कोल्ची से एक ड्रग का उसका इस्तेमाल करवाते हैं, या फिर हम स्टीराइड देते हैं ताकि सोजिश को जो इन्फ्लेमेशन उसको कम से कम किया जा सके। लेकिन जो इसकी जो मशहूर अद्वियात हैं उनका बारे में हम बात करते हैं। नाजी, मैं आपको ब्रांड नेम नहीं बता सकता, मैं आपको जेनिक नेम बताऊंगा क्योंकि यूट्यूब हमें इस चीज़ मना करता है, और अगर आपने उसका नाम सर्च करना हो तो आप लिख सकते हैं कि ब्रांड नेम इन पाकिस्तान। एक बड़ी ड्रग है एलोप्यूरिनोल, और दूसरी जो ड्रग है इसमें फेबोडोस्टेट के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमने आपने इसका ब्रांड नेम जानना है तो आप यूट्यूब पर आप गूगल पर जाकर लिख सकते हैं। तो एलोप्यूरिनोल नाजीन 300 मिलीग्राम की गोली में आती है, फॉर्म में आती है, लेकिन जब आप स्टार्ट करवाते हैं तो हम 100 मिलीग्राम पर स्टार्ट करते हैं, और फिर आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि 1 या 1.5 महीने बाद इसको चेंज करना है या नहीं करना। उसके अलावा जो फेबोडोस्टेट है ये तकरीबन 50 मिलीग्राम स्टार्ट करवाते हैं, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा हम इसे टेपर ऑफ करते हैं। तो नाजिन, जो एलोप्यूरिनोल है ये आमतौर पर गुर्दों के जरिए निकलती है, जो फेबोडोस्टेट है वो गुर्दों के जरिए निकलती है। तो हम जो एलोप्यूरिनोल उन लोगों में अवॉइड करेंगे जिनको गुर्दों का मसला है, और फेबोडोस्टेट उन लोगों में अवॉइड करेंगे जिनको क्या नाम है, जिगर का मसला है। तो नाजरीन, उसके अलावा जब भी ऐसा मसले हो, उसके अलावा आप एक और टेस्ट करवा के देख सकते हैं, हम कहते हैं जॉइंट एस्पिरेशन, सनोविस रूट एस्पिरेशन, इसमें जो जोड़ों से पानी लेकर हम चेक करते हैं, उसमें हम MSU मिलते हैं, यानी मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल में मिल सकते हैं। तो इसके बारे में यही है कि एक तो इसकी एहतियात करें, उन खुराक को पता हो, आपको पता हो उन खुराक का जिनसे ये यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है और किनसे ये ठीक होता है, और अद्वियात आप टाइम पर इस्तेमाल करें, और बाद बाद आपका डॉक्टर ऐसी मेडिसिन भी आप चेक करता है कि इसकी वजह से यूरिक एसिड नहीं बढ़ रहा है। सपोज करें ऐसे मरीज जो ऐसी अद्वियात ले रहे हैं जिससे एक नाम है पेशाब का बहाव बढ़ता है, जैसे जिन्हें डायोरेटिक कहते हैं, स्पेशली थायराइड डायोरेटिक या लोप डायोरेटिक, या अगर आप लो डोज एस्पिरिन वगैरह का इस्तेमाल करें तो डॉक्टर इन अद्वियात को तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि ये भी यूरिक एसिड के बढ़ने का सबब बनती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, कोई सवाल होगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा।